नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर इंजन ज्ञान चैनल में। आज मैं आपके लिए बहुत ही खास जानकारी लेकर आया हूं। अगर आप भी किसी कंपनी का कंप्रेसर चलाते हैं या आपके पास बोरवेल मशीन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। ये जो वीडियो में आप कंप्रेसर देख रहे हैं जो कि एक ट्रक पर फिट है और इस मशीन से बोरिंग की जाती है, ये जगह जगह पे जाकर लोगों के घरों में बोरिंग करता है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह सीपी का कंप्रेसर है जिसका फुल फॉर्म होता है शिकागो प्यूनोमैटिक, जो कि मेड इन इंडिया की कंपनी है। इसमें अशोक लेलैंड का इंजन लगा हुआ है जो कि बहुत ही पावरफुल है। अशोक लेलैंड का 6 सिलेंडर का इंजन, 205 एचपी का ये इंजन है, आरपीएम 2200 है और एयर कंप्रेसर का जो मॉडल है वो है सीपीएस 550-200 RIG। वर्किंग प्रेशर है 14 बार, इंजन मोटर स्पीड 2100 आरपीएम एंड इंजन मोटर पावर 152 किलोवाट, 205 एचपी। और कंप्रेसर के जो पैनल में मीटर्स वगैरह लगे हुए हैं, आइए मैं वो भी आपको बता देता हूँ। पैनल में एक MCB लगा हुआ है, एक RPM मीटर लगा हुआ है, आवर मीटर लगा हुआ है, फ्यूल मीटर लगा हुआ है, इंजन ऑयल प्रेशर लो इंडिकेटर लगा हुआ है, इंजन टेम्परेचर हाई इंडिकेटर लगा हुआ है, फ्यूल लेवल मीटर लगा हुआ है, स्टार्टर बटन है, वार्निंग बैटरी नॉट चार्जिंग का इंडिकेटर लगा हुआ है, ऑन ऑफ का की स्विच है, कंप्रेसर एयर टेम्परेचर मीटर लगा हुआ है, कंप्रेसर एयर प्रेशर मीटर लगा हुआ है, स्टॉप का भी एक बटन है। इंजन में जो आपका फिल्टर लगेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ विस्तार से। एक एयर फिल्टर लगेगा जिसमें कि इनर आउटर होता है, एक डीजल फिल्टर लगेगा, एक लूब ऑयल फिल्टर लगेगा और एक स्टेनर लगेगा। तो आइए अब चलते हैं मेन टॉपिक पर। एक रात जब कंप्रेसर के ऑनर ने अपने पूरे टीम के साथ कंप्रेसर को एक जगह पर बोरिंग करने के लिए भेजा, उसकी टीम साइट पे चली गई और कुछ घंटों के बाद जैसे ही अंधेरा होने वाला था, कंप्रेसर के टीम के इंचार्ज ने ऑनर को फोन कर बताया कि इंजन लोड नहीं ले रहा है, इंजन काफी काला धुआं दे रहा है और एग्जॉस्ट काफी लाल हो रहा है और कंप्रेसर काम नहीं कर रहा है, बोरिंग नहीं हो पा रही है और पूरी टीम बैठी हुई है और कस्टमर चिल्ला रहा है, रात में काम नहीं हो पाएगा। फिर कस्टमर ने सर्विस सेंटर में फोन किया और अशोक लीलैंड इंजन की कंपनी में और सीपी के सर्विस सेंटर में भी फोन लगाया और अपनी सारी परेशानी सर्विस सेंटर वालों को सुनाई। सर्विस सेंटर वालों ने बताया, सर अभी रात हो चुका है, अभी कोई भी सर्विस इंजीनियर उपलब्ध नहीं है, तो अर्ली मॉर्निंग आपके साइट पे हमारा इंजीनियर पहुंच जाएगा, आप इस रात को किसी तरह से काट लें, परेशान ना हो। जब सुबह सुबह साइट पे इंजीनियर पहुंचे तो कस्टमर काफी चिल्ला रहा था। हमने कस्टमर को शांत किया और हम सबसे पहले यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इंजन में हुआ क्या है। हमने पूरे टीम से पूछताछ की और यह पता लगाने की कोशिश की कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, और सारी जानकारी लेने के बाद हमने कंप्रेसर को चालू करवाया और टीम से बात की, यह पता लगाने की कोशिश करने लगे कि इंजन में क्या प्रॉब्लम हो रहा है। हम इंजन चेक करने लगे, ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले हमने इंजन में ऑयल चेक किया, कूलेंट चेक किया, फिन बेल चेक किया, एयर फिल्टर चेक किया और वायर चेक किया और सारे मीटर्स भी चेक किए और उसके बाद इंजन को स्टार्ट करवाया और पैनल को चेक किया कि सारे मीटर अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं। और फिर हमने इंजन को चेक किया, इंजन स्टार्ट अच्छे से हुआ, ऑयल प्रेशर भी काफी अच्छा था, रेडिएटर से भी हवा काफी फोर्स में निकल रहा था, रेडिएटर जाम नहीं था और धुआं भी अच्छा आ रहा था, ब्लैक स्मोक नहीं आ रही थी, सब ठीक ठाक चल रहा था।
थोड़ी देर चलाने के बाद हमने इंजन बंद करवा दिया। फिर 10 मिनट के बाद हमने फिर से इंजन चलवाया। उजला देगा ना? और कंप्रेसर का लोड टीम को डालने के लिए बोला। जैसे ही इंजन के ऊपर लोड आया तो हमने देखा कि इंजन काफी आवाज कर रहा है और काला धुआं भी काफी दे रहा है। टर्बो भी काफी गर्म हो रहा है और इंजन लोड नहीं ले रहा है। इंजन जब बिना लोड के चल रहा था तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही लोड हमने डाला उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। बहुत मशक्कत करने के बाद हमारा ध्यान एयर फिल्टर के वैक्यूम इंडिकेटर पे गया, तो जो कि हम्प होस के ऊपर लगा हुआ होता है। कंप्रेसर में दो एयर फिल्टर होते हैं, एक इंजन साइड के लिए और दूसरा कंप्रेसर के लिए होता है। इंजन साइड का जो वैक्यूम इंडिकेटर था वो ओपन था, वो एयर फिल्टर चोक नहीं दिखा रहा था, लेकिन कंप्रेसर साइड का जो वैक्यूम इंडिकेटर था क्लोज था, येलो रंग का दिख रहा था, इंडिकेट कर रहा था। एयर कंप्रेसर साइड का जो एयर फिल्टर था वो चोक था। फिर हमने इंजन स्टार्ट करवाया, लेकिन टीम ने बोला कि एयर फिल्टर ठीक है। फिर हमने इंजन स्टार्ट करवा कर लोड डलवाया और उसके बाद देखा कंप्रेसर साइड का हम्प होस पूरा का पूरा दब जा रहा था, चोक हो रहा था, उसे हवा नहीं मिल रही थी। कंप्रेसर को हवा नहीं मिल रही थी और एयर फिल्टर चोक था, जिसकी वजह से इंजन लोड नहीं ले पा रहा था। हमने इंजन बंद करवाया और ओनर को सारी बात समझाई और बताया कि आपका एयर फिल्टर चोक हो चुका है, जिसकी वजह से यह प्रॉब्लम आ रही है। इंजन साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप एयर फिल्टर को समय पे चेंज किया कीजिए या उसे अपनी टीम को बोलिए कि हमेशा चेक करे। हमने एक वीडियो बनाकर सीपी कंपनी वालों को भी भेज दिया और जानकारी थी। कंप्रेसर के ऑनर को न्यू एयर फिल्टर लाने के लिए कहा। आप एयर फिल्टर चेंज कर दीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हमने कुछ देर के लिए एयर फिल्टर का इनर निकालकर इंजन पे लोड डाला तो देखा कि इंजन काफी अच्छा चल रहा था और अच्छे से लोड ले रहा था। कंप्रेसर की सारी टीम खुश हो गई और अपने अपने काम पर लग गई और ऑनर कुछ देर के बाद नया एयर फिल्टर लेकर आ गए और हमने नया एयर फिल्टर चेंज कर दिया और इंजन काफी अच्छा चलने लगा और लोड भी लेने लगा। तो अगर आपके इंजन या कंप्रेसर में भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो अपने एयर फिल्टर को चेक करें, उसे समय समय पर साफ करें या टाइम से चेंज कर दें, तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी साइट पे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।
इंजन कंप्रेसर में नहीं लग गया था, गाना फट जाएगा उसका, चलेगा इस समय। कमिंस का लगता है नीतीश का लगता है? कमिंस अभी, हाँ कमिंस लगेगा, नीतीश का लगेगा, आइसर भी लग रहा है, आइसर भी लगा के भेजा। इंडस्ट्रियल से उसका इंजन खत्म हो रहा है, इंडस्ट्रियल से